और सुबह के बज रहे हैं 4:30, और 4:30 में इस टाइम मैं हो गया हूँ रेडी। हेलो एवरीवन, रेडी हो चुका हूँ, नहा लिया हूँ, सुबह सुबह नहा लिया हूँ, क्योंकि हमें जाना है अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल पता ही है, थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो हम लोग अभी निकलते हैं, क्योंकि 4:30 हो गया और हमें हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से 6 बजे है, तो वहाँ से निकलते हैं। 1-2 घंटा लगेगा हमें मथुरा पहुँचने में। मैंने कुछ कपड़ा भी रख लिया, क्योंकि उधर जाते वक्त ये ऐसा इतना मतलब साफ़ सुथरा तो नहीं दिखूंगा मैं। और एक टी शर्ट मिल गया था व्हाइट कलर का, तो ये ले लिया हूँ। और बाकी लोअर फटा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका हाल क्या होने वाला है। ब्लैक लोअर ले लिया है मैंने, और ब्लैक शूज़ देख लो आप। ठीक है, बस ये ऊपर वाला जो टी शर्ट है उसको मैंने व्हाइट रखा है। तो फिलहाल अभी मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से नहीं, फ्रेंड के रूम से, क्योंकि यहाँ से स्टेशन जाना आसान होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और एटीएम से पैसा नहीं निकला है, आगे देखता हूँ कोई एटीएम रहता है तो। काफ़ी मतलब कैश नहीं है, बिल्कुल कैश नहीं है, 50 रुपये बस बचा हुआ है, लेकिन कैश निकालना है पहले। कैश निकाल के उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन चलते हैं। कैश का नहीं होना एक नया लोचा हो गया है, मुझे कल ही निकाल लेना चाहिए था। वैसे भी कल का प्लान था नहीं, मैंने अपने आप को समझा लिया था कि कल नहीं जाना, मतलब आज नहीं जाना है, लेकिन अचानक से नींद खुली, फिर नोटिफिकेशन आया, मन कर दिया तो निकल गया हूँ। अभी तो ऑटो भी नहीं मिल रही है, हाईवे आगे है, और आगे वहाँ से हम लोग मेट्रो के लिए कुछ देखते हैं, मेट्रो से न्यू दिल्ली, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के मथुरा। अकेले अकेले जाने में इस टाइम थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ठीक है यार, थोड़ा ये सोलो ट्रिप है तो एक्सपीरियंस तो लेना है मुझे, बढ़िया होगा ये मुझे पता है। और अभी ये फिक्स नहीं है कि वृंदावन जाना है या बरसाना जाना है, वहाँ मथुरा पहुँच के डिसाइड करता हूँ, क्योंकि वृंदावन में हो ही जाता है ना, क्राउड काफ़ी हो जाता है, बांके बिहारी मंदिर में इतना क्राउड होता है ना, मैं देख रहा था उसके बारे में पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो फिलहाल मैं बस में बैठ चुका हूँ, और बस मिल गई है, भैया बैठा लिया, पूरा खाली है बस। क्या वैसे एक तरह से देखा जाए तो मुझे ना कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से मेट्रो जाऊँगा, मेट्रो से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से भी ऑनलाइन कैश, अब तो कैशलेस हो गया, टिकट मिल रहा है, वो भी लेके मैं मथुरा जा सकता हूँ। फिर वहाँ से कैश का थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वहाँ पे किसी से मांगना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, वो आज से बंद हो गया, बंद, और 10 दिन के बाद होली है, और मुझे मैं उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो ले नहीं रहा है, और बाकी जो कार्ड है वो सब रूम पे मैं छोड़ दिया हूँ, मुझे लगा कि इससे निकल जाएगा, याद ही नहीं आया मुझे। मतलब अजीब सा होता है यार, मतलब बताओ पैसे नहीं है, पॉकेट में 50 रुपया है, मैं दिखा दे रहा हूँ, बस ये है, ठीक है, और इतना कॉन्फिडेंट होके जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, मैं पहली बार फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहा हूँ, एक तो ये ऊपर वाला ठीक है, लोअर फटा हुआ एकदम, जूते की ग्रिप नहीं है, क्योंकि जूता भी ब्लैक कलर का, बहुत साल से है मैंने इसको ले लिया, क्योंकि व्हाइट कलर का शूज़ पहन के जाने पर कलर लग जाएगा, और वो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि फैमिली वाले भी ब्लॉग देखते हैं, फैमिली वाले देख लिए ना तो मार के सुझा देंगे। और अभी तो फिलहाल पूरे बस में इकलौता बैठा हूँ मैं, भैया लोग बिहार से क्या, वो देखो अभी मेट्रो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और अभी सब डिपोट में लगे हुए हैं, मतलब अब चलने को स्टार्ट हो चुका है, अब स्टार्ट होगा ही। मैं ना वृंदावन और बरसाना में एटीएम ढूंढ रहा हूँ, मतलब जो मेरा बैंक है आईडीबीआई बैंक है, एक कार्ड मेरे पास था बैंक में, अभी चेक किया हूँ तो एक न्यू कार्ड पड़ा हुआ है, तो उसको एक्टिवेट कराना है, लेकिन मेरा बैड लक कि वहाँ एटीएम नहीं है, मथुरा में है लेकिन एक ही है, पता नहीं वो खुला रहेगा कि नहीं, यहाँ पे देखता हूँ यार, मुझे लग रहा है ना किसी को एक्स्ट्रा पैसा देके तब मुझे कैश लेना पड़ेगा कुछ, बाकी तो ऑनलाइन हो जाएगा, बस वो ट्रैवलिंग के वक्त तो थोड़ा सा ऑटो ऑटो को देने में दिक्कत होता है, बाकी तो ऑनलाइन हो जाता है। तो भैया ने हमें छोड़ दिया है, हाय गाइस, राधे राधे, राधे राधे, चलिए मिलते हैं। अभी फिलहाल मैं मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, कश्मीरी गेट, गेट नंबर 7 पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 8 नंबर से मैं एंट्री मार रहा हूँ, यार बस वाले भैया बहुत अच्छे थे, 6:10 में ट्रेन है, अभी 5:15 हो रही है, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, ट्राई कर रहा, बस टिकट का ऑनलाइन व्यवस्था हो जाए, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। पूरा ये मशीन बंद है यार, और उधर भी सब काउंटर क्लोज है, कार्ड लेके मैं आया नहीं हूँ यार, मेरे पास कार्ड था नहीं, मुझे एक नया कार्ड लेना पड़ा, मेरे पास 3-4 कार्ड हो गया है, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी, वैसे तो कोई लेट होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टाइम पर पहुँचना है, मुझे और भी, मैं बस नहीं चाहता कि होली तक सीमित रहे मेरा सब कुछ।
तो मैं न्यू दिल्ली पहुंच गया हूं, अभी 40 मिनट है ट्रेन में, और अभी तो कैश चलते हैं टिकट का देखते हैं। टाइम से बहुत पहले पहुंच गया हूं, अगर मेट्रो नहीं लेता तो टाइम लगता। ठीक है, मैंने कार्ड ले लिया। अभी देखो अंधेरा ही है और मैं न्यू दिल्ली पहुंच गया अपने टाइम से पहले। अब मिशन है बस टिकट कम से कम मिल जाए एक। यार केनरा बैंक है यार इधर, SBI है केनरा। जो मेरी ट्रेन है 20986 UHP कोटा 4 नंबर पे आएगी। चलते पहले टिकट लेते हैं, और फिलहाल मैंने टिकट कटा लिया है, वो वेंडिंग मशीन है उसी से मैंने कटाया है, बहुत आसानी से कट गया यार। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा मेरे पास 35 रुपया है चेंज, बस 35 रुपया पॉकेट में है, बाकी ऑनलाइन काम हो रहा है मेरा। 4 नंबर पर ट्रेन मिलेगी, टाइम से बहुत पहले मैं आ गया हूँ, लेकिन ठीक है यार, टाइम पे पहुँच जाना ज़रूरी है। मस्त हवा बह रहा है यार, गर्मी भी लग रही है, अब मौसम आ चुका है गर्मी का। तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन, और मेरी ट्रेन अभी 20 मिनट में आने वाली है, टाइम है। टिकट मिल गया ऑनलाइन, वहीं SBI वाला हाल हो गया था, इस काउंटर से उस काउंटर जाओ, तो मैंने टिकट वेंडिंग मशीन से मैंने कटा लिया है, बहुत आसानी से कट गया है, और अभी 35 रुपये लेके मैं मथुरा जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या ही बोलूँ मैं। अभी ये जा रही है तो मेरी वाली आएगी, मतलब मेरी वाली ट्रेन आएगी। तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ और ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, और अब मथुरा की तरफ बिना पैसे के 35 रुपये पॉकेट में रख के मैं निकल रहा हूँ। और अभी सनराइज हो रहा है धीरे धीरे। और रात को मैं सोया नहीं हूँ, मैं 1 घंटा तो सोऊंगा। कोई आ जाए बस बगल में, उसको बोल दूंगी भैया मथुरा आएगा तो बोल देना, उसके बाद मैं सोऊंगा ही सोऊंगा। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से, और हमारे पैरेलल एक ट्रेन चल रही है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मथुरा, और बरसाना जाना शायद पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो मैं वृंदावन जा रहा हूँ, और जब पिछली बार आया था तो काफ़ी मतलब कम भीड़ थी, और इस बार बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले कैश निकालते हैं। ये देखो कितनी भीड़ है यार। तो फाइनली फिर से उसी जगह पे आ गया हूँ, और यहाँ से मैं वृंदावन चलूँगा, क्योंकि बरसाना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, 40 किलोमीटर है, फिर यहाँ से 1-2 घंटा लग जाएगा जाने में, तो हो नहीं पाएगा कवर आज, और एक अर्जेंट कॉल आ गया तो मुझे फिर शाम तक वापस भी जाना है। तो वृंदावन ही चूज करते हैं, और इस बार तो काफ़ी भीड़ है, और कल और परसों तो और भीड़ जाएगी, वीकेंड है तो वीकेंड पर कभी मत आना आप लोग। फिलहाल चलते हैं ऑटो लेते हैं, और उस ऑटो में बैठेंगे जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती हो। सभी दर्शनार्थियों से विशेष
अनुरोध है कि जूता चप्पल जूता घर में ही उतारे, जूता रख देगी आगे सर। बंदर का डर इसीलिए मोबाइल में नहीं निकाल रहा हूँ। एक बार फिर से हम लोग वहीं पे आ गए, शाहजी मंदिर सामने है। तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ निधि वन में। पहले वीडियो में मैंने डाल रखा है, उसके बारे में डिटेल में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सामने ही यमुना है, पहले बैठते हैं यार, बहुत देर हो गया बात किए हुए, बहुत कुछ बताना है। तो जितने लोग भी YouTube का वीडियो देख के आ रहे हैं होली खेलने, भाई मत आया करो, ठीक है, मत आओ तुम लोग, प्लीज़ आना होगा तो जो डेट है उस डेट पे आना, उससे पहले मत आना, क्योंकि बस यहाँ पे अबीर की होली खेली जा रही है। सिंपल सी मैं वाइट शर्ट पहन के आया था कि यार रंग रंग हो जाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई होली नहीं खेली जा रही है। जितने भी वो यूट्यूबर्स सब डाले हुए हैं, सब फेक डाले हुए हैं, पिछले साल का डाले हुए हैं, या जो डाले हुए हैं वो वृंदावन की नहीं है, बरसाना की है, नंदगांव की है, वहाँ का क्या सीन है नहीं पता है, लेकिन जो भी वृंदावन के नाम पे ये स्कैम चला रहा है भाई बंद कर दें। मैं आ गया इसके चक्कर में, खैर कुछ नहीं, होली खेलने के लिए आया था,
यहाँ पे 22 तारीख को होली मनाई जाएगी वैसे, मे भी उस दिन भी मैं आ जाऊँ, ठीक है, आ जाना कोई मतलब बेकार नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार जब मैं वृंदावन आया था तो जहाँ जहाँ नहीं घूमा था वहाँ वहाँ घूम लिया हूँ, और राधा वल्लभ मंदिर गया, बाकी भी आज अच्छे से दर्शन हो गए हैं, एक मथुरा में द्वारकाधीश बाकी रह गया था पिछली बार, तो उसको आज वहाँ पे जाना है। प्रेम मंदिर में भी नहीं जाऊँ यार मैं, प्रेम मंदिर क्या ही करने जाना है, प्रेम मंदिर बहुत हो गया है। भैया तुम्हारा भी तुम्हारा भी वीडियो बने, हाँ आ जाओ भैया आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? गोविंद। गोविंद का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? तुम बताओ कान्हा बताओ, तुम वृंदावन में हो और तुम्हें गोविंद का मतलब नहीं पता? चीर घाट, गोविंद घाट, कौन घाट है भाई? ये श्रृंगार होता था, आपको ये नहीं पता कौन सी जगह पे बैठे हो, जगह का नाम ही नहीं मालूम? नहीं पता है, नहीं पता है, ये श्रृंगार घाट है। श्रृंगार घाट आगे है ना, ये श्रृंगार घाट यार थक गया हूँ मैं, धूप भी हो गई, मंदिर सारे बंद हो गए, अभी यमुना के एकदम किनारे बैठा हूँ, कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं, मैं तो सोऊंगा यार, मस्त हवा बह रही है। तो जो ये आप पेड़ देख रहे हो, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था जब वृंदा बनाया था यहीं से है, जब पोपिया नहाती थी यमुना जी में और बिना वस्त्र की नहाती थी, इसलिए कृष्ण भगवान चुरा लेते थे कि इससे माँ यमुना का अपमान होता था। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है और ये कपड़ा बेचा जा रहा है। एक चीज़ आपने देखा है, यहाँ पे मंदिर को छुआ जाता है, देखो ये इतना विश्वास है भगवान में, यहाँ पे इंडिया के बात बोल रहा हूँ, लकड़ी को छू के फील किया जा रहा है, और कुछ लोग कुछ भी मुंह से बकते रहते हैं, उनको लगता है ये बोल के वो कुछ भी कर लेंगे, वैसे लोगों को पता नहीं, भगवान सद्बुद्धि दे। तो फिलहाल हम लोग जयपुर मंदिर आ चुके हैं और वहाँ पे राधा रमन, राधा वल्लभ, निधिवन, शाहजी मंदिर, बाकी बिहारी घूमने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे, क्योंकि देखो वहाँ पे प्रेम मंदिर जाना था नहीं, क्योंकि वो रात में ही सही लगता है, और दूसरी बात कि इस्कॉन भी रात में ही सही लगता है, अभी जाने का कोई मतलब नहीं था, और पिछले बार मैं चला गया था और सामने मेरी ट्रेन भी है वापस, तो उधर नहीं जाकर मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पर नहीं आया था मैं। और भाई साहब जो उम्मीद लेके आया था ना, सब उम्मीद टूट गया है, मैं टूट गया हूँ यार, तो मुझे लगा था यार वाइट कपड़ा पहन के आया, फटा हुआ पैंट पहन के आ गया, बेवकूफ़ हुआ कि होली होगा ज़बरदस्त वाला पानी वाला होली होगा, यहाँ तो अभी अपने में ही गुलाल उड़ा ले रहे हैं, बस खुश हो जा रहे हैं उतना सही। अब आया हूँ यहाँ पे थोड़ा सा देख लेने, उसके बाद मथुरा के लिए निकलूँगा मैं, बंदर इतना है ना कि मोबाइल निकालने का मन कर रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये श्री राधा माधव जी मंदिर है, बंद है अभी इस टाइम, और पीछे जो आप मंदिर देख रहे हो वो श्री राधा माधव जी मंदिर है, अभी बंद है क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ बैठूँगा क्योंकि बहुत चल लिया हूँ मैं, थोड़ा सा आपसे बात करूँगा, अभी बंद है मंदिर। ये है ना, ये राजस्थान का देवस्थान विभाग है, वो इसको हैंडल करता है इस पूरे एरिया को, तो ये मंदिर थोड़ा सा राजस्थानी शैली में भी बना हुआ है। तो बात ये है कि मैं आया था ये सफ़ेद सफ़ेद पहन के कि भाई होली होगी, एकदम गुलाल उड़ेगा, रंग उड़ेगा, पानी उड़ेगा, भीग जाऊंगा, पैंट फटा हुआ पहन के आ गया था कि इसी बहाने मतलब कि उसमें एडजस्ट हो जाए, एक एक्स्ट्रा रख भी लिया था कि कहीं ये फट जाए तो, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जितने लोग भी सोचते हैं ना कि होली को बो रही होगी, भाई बिल्कुल मत आना, अगर होली सोच के आ रहे हो, वृंदावन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मथुरा में जाकर दिखाता हूँ मथुरा का क्या सीन है, बरसाना में पता नहीं है, नंदगांव का पता नहीं है, गोकुल का पता नहीं है, तो वहाँ का मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों जगहों का बताऊँगा। और बात यह है कि बस आपको राधा रमन
मंदिर में और राधा वल्लभ मंदिर में आपको थोड़ा सा गुलाल उड़ेगा, जो खरीद के ला रहे हैं वही उड़ा रहे हैं, और वो आप लोग रील्स में देखते होंगे कि वो सब जो भी पंडित होते हैं वो उड़ाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। सबका एक डेट फिक्स है, वृंदावन का शायद 21 को है होली, तो उस दिन ही आप लोग आइएगा, इससे पहले मत आइएगा क्योंकि बहुत बोरिंग होगा। सभी लोग उसी उम्मीद से आए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है, सब यूट्यूब देख के आए हैं, रील्स देख के आए हैं, मैं भी देख के आया हूँ, मगर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छा है कि मतलब पिछली बार जब मैं आया था तो जो जो जगह नहीं घूमा था वो पूरा आज कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि धूप निकल गई है ना, पिछली बार आया था धूप नहीं थी, मौसम मस्त था, और अभी धूप निकल गई है। फिलहाल यहाँ से अभी चलता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मथुरा चलता हूँ, और मथुरा जाकर द्वारकाधीश नहीं गया था वहाँ जाना है, और कृष्ण जन्मभूमि एक बार और घूम के आना है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे जल्दी ही दिल्ली के लिए, मतलब मैं निकलूँगा, मैं अकेले ही हूँ, कोई नहीं है। और आप बोल रहे होगे कि मोबाइल क्यों नहीं मतलब पूरा दिखा रहा है, तो भाई इतना मतलब यहाँ पे बंदर है ना छुपा छुपा के, अभी भी छुपा छुपा के मैं वीडियो बना रहा हूँ। चश्मा ले जा रहा है किसी का पर्स ले जा रहा है, किसी का प्रसाद ले जा रहा है, किसी का मोबाइल ले जा रहा है। अब प्रसाद मोबाइल ये सब चला जाएगा तो ये प्रसाद और चश्मा चला जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल चला जाएगा तो बाप रे बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है यार। फ्रूटी दो, मजा दो, फेंकेगा या नहीं फेंकेगा वो पता नहीं, लेकर कहीं नज़र के सामने से गायब हुआ तब तो वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये मंदिर 4 बजे के करीब में खुलेगी, तो उतना तो वेट नहीं कर सकते हम लोग, चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट बार जब होली मतलब अगले साल 2025 में मैं प्लान करके एकदम आऊँगा, मतलब जब जब होली रहेगी तब तब रहूँगा, जैसे बरसाना हो गया, नंदगांव हो गया, कब कब होली पड़ेगी वैसे होटल बुक होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं रहूँगा। और देखो यहाँ पे है ना कि 40 दिन पहले से, यानी जब सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की होती है उससे लेकर 40 दिन तक होली मनाई जाती है, लेकिन पहले मनाया जाता था, लेकिन अब एक लोकल ने बताया कि अब झगड़ा वगड़ा हो जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, अब सब लोग उतना सह नहीं पाते, टॉलरेट कर नहीं पाते, इसलिए झगड़ा हो जाता है, तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा है वृंदावन में। ठीक है, हाँ, लेकिन जब होली हो तो ज़रूर आइएगा। और मैं बरसाना इसलिए नहीं गया क्योंकि 2 घंटा लगता है जाने में मथुरा से, और 2 घंटा आने में, 4 घंटा तो यहीं ट्रैवलिंग में निकल जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं गया, मैंने इसको ही कवर करने का सोचा। नेक्स्ट टाइम पक्का बरसाना और नंदगांव वो मैं जाऊँगा। तो अगर आप लोग भी प्लान बना रहे हैं आने का तो प्लीज़ जब होली हो तभी आइएगा। और एक और बात कि क्राउड का है, तो क्राउड बहुत ज़्यादा है मंदिर में यार, बहुत ज़्यादा है, मतलब बाकी बिहारी मंदिर में सबसे ज़्यादा है। राधा रमन राधा वल्लभ मंदिर में नहीं था कुछ भी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी बिहारी में तो यार मतलब मैं तो हवा में उड़ रहा था एकदम मस्ती से। ठीक है, तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं तो बोलूँगा कि आप लोग लड़कियाँ प्लीज़ अवॉइड करें इस चीज़ को, जब होली हो तभी आइएगा, उसके पहले मन करे तो आइएगा। अगर होली के पर्पज़ से आ रहे हैं तो प्लीज़ होली के दिन ही आइए, उसके पहले मत आइएगा। सोचिएगा कि डेली होली होता है 40 दिन तो नहीं होता भाई, मैं आकर पछता नहीं रहा हूँ, जो नहीं घूमा था घूम लिया, लेकिन फिर से वहीं सब रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, अब मैं निकलता हूँ मथुरा के लिए, पहले मैं जाऊँगा विश्राम घाट, वहाँ थोड़ा सा मैं भी विश्राम करूँगा भगवान कृष्ण की तरह। उसके बाद मंदिर जब द्वारकाधीश खुलेगी उसके बाद वो देख के पूजा करके, फिर अगर टाइम बचा, क्योंकि 6:45 में मेरी ट्रेन है, टाइम बचा तो श्री कृष्ण जन्मभूमि एक बार रिपीट, और नहीं बचा तो स्टेशन से होते हुए। और जो मेरा कैश का समस्या था वो लगभग सॉल्व हो चुका है, लगभग क्या सॉल्व, फिर कहीं से कैश लेना पड़ेगा क्योंकि ATM है ही नहीं इधर, IDBI का ATM नहीं है, और मुझे स्टार्ट कराना था, सब कुछ ऑनलाइन अभी काम चल रहा है। मतलब मेरे पास 50 रुपया वो था जो लेके आया था, 100 रुपया मैंने एक भाई को पेमेंट करके, जहाँ खाना खाया मैंने वहाँ पे उनसे मांगा, 100 रुपया पेमेंट करके लिया कैश, बस वही चल रहा है, और बाकी ऑनलाइन ही चल रहा है। मैं ना सोच रहा हूँ कि लिफ्ट मांग के मैं मथुरा चला जाऊँ, ट्राई करता हूँ, मतलब एक बार मांगा था, एक बार मांग के मैं मोतिहारी चला गया था, देखता हूँ कि कोई देता है तो मांगूंगा, लेकिन पक्का बूढ़े लोगों से लिफ्ट मांगने में यार अजीब लगता है। अरे एक बंदा चला गया, यार कोई मिल नहीं रहा लिफ्ट वाले, सब किसी ना किसी को बैठाए हुए हैं, लड़कियां खाली जा रही है लेकिन उनको तो मैं मांगूंगा नहीं। ऑटो मिल गई मथुरा के लिए, तो फिलहाल मैं अभी चल रहा हूँ विश्राम घाट, उधर ही है द्वारकाधीश मंदिर, जब टाइम होगा ओपन होने का तो उधर से दर्शन करते हुए और इधर आ जाऊँगा मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। आप देख सकते हो वो मस्जिद जो दिख रहा है ना, वही है, और ये गलियाँ मुझे बनारस की याद दिलाती हैं। यार मेरा ना कमर दर्द कर रहा है, पहली बार इतना मैं चला हूँ, कुछ खा लेता हूँ पहले।
मैं ना किसी से लिफ्ट मांग लेता हूँ और चश्मा लगा लिया हूँ तो सला सब समझेंगे बाहर का है यार। लिफ्ट मांगने में शर्म आती है हम जैसे तो, लेकिन मैं मांग के जाऊँगा, 2 किलोमीटर है पैदल नहीं जाता यार। क्या खूबसूरत लग रहा है यार ये गली, बनारस की याद आ गई। मैं थोड़ा देर जाकर विश्राम घाट पर बैठूँगा और सामने शायद द्वारकाधीश मंदिर है। भीड़ तो नहीं है, पता नहीं वो मंदिर है कि कुछ और है, मंदिर शायद आगे और है, खैर देखता हूँ। मथुरा बढ़िया लगता है यार गली इसकी, और इस गली को मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं गलती से केदारनाथ चला गया रहता तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाता, क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा है। गलत घाट पे आ गया, ये विश्राम घाट नहीं है, विश्राम घाट आ गया है। कितना प्यारा लग रहा है ये विश्राम घाट हो रहा। विश्राम घाट चलता हूँ, पहले ही उतर गया। भाई साहब ये कहाँ, ये कहाँ, कौन सी गली है यार ये? ओह अच्छा, ये देखो मैं कहाँ पे आ गया। ये रहा विश्राम घाट। अच्छा ये है द्वारकाधीश मंदिर, एकदम गली में मैं घुस गया था, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं अभी, साढ़े तीन में खुलेगी। मेरे सामने विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर अभी खुलेगी। वो ये रहा विश्राम घाट, यहीं पे भगवान कृष्ण कंस कुमार के विश्राम किया था यहीं पे। काफ़ी प्यारा घाट है ये भी। बंदर बहुत है इसलिए मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग विश्राम घाट पे है और टाइम लगभग कितना बज रहा है, 3 बजने को है। 20 मिनट में द्वारकाधीश का गेट खुलेगा तो, और मेरे साथ मेरे साथी लोग हैं जो काफ़ी ख़तरनाक है, इसीलिए इनसे मोबाइल बचा के मैं रख रहा हूँ, ठीक है। आधा ब्लॉग तो इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया है, बहुत डेंजर है ये लोग, ठीक है। ये देखो कितना पुराना है ये सब, और यहाँ पे पूजा होती है, देख रहे हो खंडहर टाइप का है। इस ये जो यात्रा है मेरी, मैं तो होली को लेके आया था लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, सच में बहुत कुछ सिखाया है। फिलहाल चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर की तरफ चलते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना, मैं केदारनाथ जाता तो मेरी हालत ख़राब हो जाती यार, मैं पीठ बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा था किसी ने मैं चल ही नहीं पाता यार, फिटनेस खराब हो गया है, काम करना पड़ेगा इस पे। बहुत पुराना पुराना देख रहे हो, बहुत पुराना पुराना महल है सब, एकमात्र प्राचीन पोपाबाई मंदिर।
खुल गया, हाँ मंदिर खुल गया, हम लोग चलते हैं। शूज यहीं छोड़ देता हूँ मैं, बैग बैग जमा करना है इधर। चलते हैं सीधे स्टेशन पे। मैं हूँ मथुरा की गलियों में, बनारस से भी छोटा, और बंदर देखो ऊपर लटक रहा है, मोबाइल रखने दो मुझे।